हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। और आज मैं आई हूँ हाथी पार्क, और जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ की। मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर की व्यू कैसी है। इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। ओके, चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि अंदर की व्यू कैसी है। और यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि अंदर ये कैसा व्यू है। गाइस, ये एंट्री गेट है जहाँ से हम इंटर करते हैं सब लोग। और यहाँ पे राइट साइड में टिकट काउंटर है जहाँ पर टिकट मिलता है, और 10 रुपीज़ पर पर्सन टिकट यहाँ पे मिला था। और फिर ये यहाँ पे ऐसा कुछ व्यू है, फ्रंट गेट पे स्टैचू बनाया है, और फिर यहाँ से इंटर होता है। मैं यहाँ पे इंटर कर रही थी, और ऐसे इंटर करते ये व्यू था। गाइस सी, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा विंटर में इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे, बहुत ही अच्छी व्यू आ रही थी। और यहाँ से मैं ऐसे अंदर जा रही हूँ, और ये यहाँ का ऐसे चारों तरफ के कई तरह का एरिया बनाया हुआ है, जो इधर से भी जा सकते हैं, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। यहाँ बैठने का भी बनाया हुआ, मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ बैठ भी सकते हैं आराम से। हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे साइकिल वर्कर्स ने रखा हुआ था, क्योंकि अंदर कोई व्हीकल्स अलाउ नहीं था। गाइस सी, ये आफ्टरनून का व्यू है, और ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ कुछ लाइट लगी हुई है, और यहाँ पे लिखा था कुछ ऐसे ब्लॉक लेटर्स यहाँ पे लगे हुए थे डेकोरेशंस के लिए। ये यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए बनाया हुआ था, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो पार्क है ना, वो स्पेशली किड्स के लिए है, बट बड़े भी जाते हैं। यहाँ पेंटिंग्स थी वाइल्ड एनिमल्स के, काफ़ी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स थी। ऐसे वॉल बाउंड्री था ना, उस पर ऐसे लगा हुआ था, ऐसे बनाया गया था आर्ट जो भी जिन्हें बनाया हुआ था। और ये जिराफ है, और जिराफ का बड़ा सा स्टैचू था गाइस। ये किड्स के लिए है, इसलिए इसमें कोई ज़्यादा एनिमल्स नहीं है, सिर्फ ऐसे स्टैचू पेंटिंग्स यही सब है इसमें। गाइस आप कमेंट करना आपको कैसा लगा ये पार्क, इसको हाथी पार्क बोलते हैं। और ये छोटे छोटे प्लांट्स हैं। लुकिंग सो ब्यूटीफुल, नेचुरल जगह मुझे जाना बहुत पसंद है, जहाँ नेचर की अच्छी व्यू है मुझे बहुत पसंद है स्पेशली। और यहाँ पे काफ़ी ऐसे लगाया हुआ था, काफ़ी मिट्टी सॉइल्स भी थे। यहाँ साइड से कट एरिया, ये जो एरिया है ना, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। जैसे विलेज में होता है ना, देखते हैं ना कि हाथी से बचने के लिए ऐसे बनाते हैं, तो वो था ऐसे एक टर्नल टाइप का था। और ये ऐसे थोड़ा सा ऊँचे ऐसे फर्स्ट बना हुआ था, ये सरफेस था ऊपर था, तो वहाँ पे मैं नहीं गई। ऐसे साइड से जो टनल था ना, उसके अंदर से जाने के लिए वो बनाया गया होता था, कि उधर साइड जा सकते हैं। गाइस ये जो है ना, ये केज जो बना हुआ है, इसमें छोटे छोटे रैबिट्स और रैट्स भी थे, जो किड्स के लिए स्पेशली हैं। और ये पेंटिंग्स, अगेन पेंटिंग्स बहुत सारे हैं, तो ये टाइगर का पेंटिंग है। और ये केज है, मैं उधर साइड नहीं गई थी। और लुक ये पेंटिंग, सो ब्यूटीफुल। और ये यहाँ से मैं जा रही थी, क्योंकि यहाँ पे नीचे बोटिंग के लिए बनाया था किड्स के लिए, तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यू थी गाइस। और यहाँ से आते नीचे वाटर पूरा स्विमिंग की तरह बनाया हुआ था, स्विमिंग पूल की तरह, और लेकिन यहाँ बच्चों के लिए बोटिंग हो रही थी। यहाँ काफ़ी अच्छी धूप आई थी गाइस, और मैं यहाँ पे ऐसे फ़ोटो भी क्लिक कराई थी मैं यहाँ पे,
और सब लोग फ़ोटो ले रहे थे। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, वाटर काफ़ी अच्छा लग रहा था। आफ्टरनून के टाइम पे जो धूप आती है ना, वो यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही थी, बिकॉज ये नेचुरल था, व्यू था, काफ़ी ट्रीज थे, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। गाइज आप ही बताना कैसा आपको लगा। यहाँ से वाटर बोटिंग हो रहा था वहाँ पे, और किड्स कर रहे थे। ओके गाइस, तो मैं यहाँ पे नीचे आ रही हूँ, और नीचे से ऐसा व्यू है कि जो पानी है और बोटिंग वहाँ पे बच्चे कर रहे थे, किड्स वहाँ पे कर रहे थे, बड़ों के अलावा नहीं था, बिकॉज पानी बहुत कम था ना, तो वो किड्स के लिए सही था, वो एक स्पेशली बच्चों के लिए है, तो उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है ये पार्क। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, तो मैं यहाँ से शेयर कर रही हूँ। और ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू था, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था यहाँ पे व्यू, धूप जो आ रही थी यहाँ पे, मतलब बहुत, मैं क्या बता सकती, बहुत प्यारी प्लेस थी ये, बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे लाइट्स भी लगे थे, और इसका टाइमिंग, क्लोज का टाइम है विंटर में 6:30। और ओके गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको मेरी सारी वीडियो की अपडेट आपको पहले मिल जाए। ओके, अगर आपको नहीं पता वो रेड कलर का जो बेल आइकन होता है, वो भी आप प्रेस जरूर कर देना, ताकि आपको एक कोई भी मेरी वीडियो जो अपलोड होगी तो आपको टिंग सी जो रिंग आती है वो आप तक पहुँच जाएगी। ओके बाय।